फॉर यू जस्ट बॉर्न किड्स चॉइस। एआरके गिरी सिल्क एंड सारी। शरणो सलगर हटाओ बीजेपी बचाओ कार्यक्रम किया गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बसो कल्याण महामाने कल्याण मंडप में 29 मार्च 2023 को दोपहर 12 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा रखी गई। इस सभा का उद्देश्य शरणो सलगर हटाओ बीजेपी बचाओ रहा। कल्याण के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले बाय इलेक्शन में एमएलए शरणो सलगर को बीजेपी से जिताने के बाद एमएलए शरणो सलगर बीजेपी के लोकल कार्यकर्ताओं को पार्टी से दूर कर उन पर अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह से कृष्णा गोने का कहना है। कृष्णा गोने का ये भी आरोप है कि एमएलए शरणो सलगर पार्टी छोड़कर अपनी जय कहलवाना चाहते हैं। इसके अलावा शरणो सलगर जो प्रचार के लिए गाने बनाए हैं उसमें बीजेपी का कोई नाम नहीं, सिर्फ शरणो सलगर की जय जयकार है। इसके अलावा कृष्णा गोने का कहना है कि बीजेपी को शरणो सलगर से खतरा है और ये भी कहा कि वो बीजेपी हटाकर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, इसीलिए शरणो सलगर हटाओ बीजेपी बचाओ कार्यक्रम का आगाज किया है। हाईलाइट इंडस्ट्री एएसी ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम होम विद क्वालिटी प्रोडक्ट। हाजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ब्यूटीफुल होम फॉर सेल विद ऑल फैसिलिटी। सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस फर्नीचर। बसवा कल्याण में उपचुनाव में आपने जो शरणो सलगर जी को टिकट दिया था, उन्होंने 15 महीने हुए थे बसवा कल्याण में आकर, उनको पता नहीं था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने वरिष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने नहीं आने से पहले भारतीय पार्टी के आधार पर हमने 7 झड़पी चुनाव में 6 हमने जीता था, 21 टीपी चुनाव में हमने 16 जीता था। ऐसे ही कार्यकर्ता के बल के ऊपर हमने चुनाव जीता है। वो आने के बाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ एबीपी है बोलते हैं, यहाँ संघ है बोलते हैं, यहाँ बजरंग दंग है बोलते हैं, मगर फलीदाओं कहाँ है? यहाँ नहीं, मेरे बल पर जीता हूँ, मैं एक नया साम्राज्य खड़ा करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के विचारी कार्यकर्ता उन्होंने बोले हमें मेरा जय जयकार करना होगा, हम आपका नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का ही जय जयकार करेंगे बोल के वो बोलते हैं। हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दिन ब दिन आके अटैक करने लगे। अमूल सदानंद जी मेरे ऊपर, रवि कपूर जी के ऊपर, हमारे केंद्र मंत्री आदरणीय भगवंत खूबा जी के ऊपर रोड तक, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सभी मिलके द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस घर घर जाके स्वच्छ भारत अध्ययन के चलते हमने स्वच्छ करने का कार्य किया था, मगर आपके लोगों ने गैंग बनाकर हम सभी के ऊपर मारने का षड्यंत्र। क्यों मार रहे हैं? हमारे उनका निजी दुश्मनी कुछ नहीं है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलना, हम शरणो सलगर बोलना बोलते। मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम हमारे को मार डालिए, हमारे को खत्म कीजिए, मगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तुम्हारा जय जयकार कभी नहीं करेंगे। इस अवसर पर मेरे वरिष्ठों को और एक बार मैं आदरपूर्वक विनती करना चाहता हूँ। यहाँ लगभग 4000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमे थे, हम किसी को टिकट नहीं मांगे, हम किसी को टिकट नहीं दिए बोल रहे, हम भारतीय जनता पार्टी बचाने की मुहिम में है, हम भारतीय जनता पार्टी बचाने का कार्य करने में आप सभी को हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। जैसे कि आज का प्रोग्राम जो है बीजेपी बचाओ का प्रोग्राम था, तो बीजेपी किससे खतरा है? बीजेपी हमारी शासक से बसो कल्याण में आके कार्यकर्ताओं के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक हो रहे थे, इसलिए बीजेपी, उन्होंने बीजेपी हटाकर अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, वो आप सभी देखते हैं और सभी देखते हैं। यहाँ गाने बन रहे हैं, शरणो सलगर बोल के बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैं एमएलए हूँ, मैं बनाया हूँ बोल के आप ऐसा बोलिए, हम स्वीकार करेंगे। हम नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम लीजिए, हम स्वीकार करेंगे, और बम्बई जी का नाम लो, हम स्वीकार करेंगे। शरणो सलगर बोल, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाना चाहिए? श्रेष्ठ भारत का की राष्ट्र पक्ष था अलीलू सेवे बोल के हमने, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना तब से हमने भारत लोगों के बीच में जाके काम करने का कार्य किया था, यही भारतीय जनता पार्टी हमें सिखाता है। उसके चलते जो मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग में सिखाया है, तो व्यक्ति पूजा नहीं करना चाहिए, पक्ष का पूजा करना चाहिए। मैं पक्ष का पूजा करने वाला हूँ भारतीय जनता पार्टी का, भले ही मेरे बोल होंगे मगर अंदर जो मेरी भावना है वो भारतीय जनता पार्टी का भावना है। मांग क्या है? मेरी मांग वही है, भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए शरणो सलगर को हटाना चाहिए। मैं बोल रहा नहीं बोल के, उन्होंने आके यहाँ पे समीक्षा करना चाहिए हमारे वरिष्ठों ने। और एक बार मैं क्षमा याचना करता हूँ, हाथ जोड़कर सभी से पैरों में सिर रखकर, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा शिस्त मुझे यही नहीं सिखाता माध्यम के सम्मुख आके बोलने का और लोगों के सम्मुख आके, मगर मेरी मजबूरी यह है
मेरे माँ को रोंदा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मेरे माँ को ख़त्म किया जा रहा है, वो माँ की बचाने के वास्ते भले ही मेरा बलिदान क्यों नहीं होता, हम बचाने के वास्ते प्रयास करेंगे बोल के हम यहाँ उतरे हैं। मैं और एक बार सभी को हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरे वरिष्ठों को, मैंने कहीं गलती किया है तो मेरा उद्देश्य में उसके पीछे एकमेव है भारतीय जनता पार्टी को बचाने का। मैं भारतीय जनता पार्टी, मैंने बोला था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं मरूंगा भी भारतीय जनता पार्टी बोलते, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। अभी ये अचानक चुनाव डिक्लेयर हो गया है तो फिर अचानक खरीद क्यों, मैं क्या पहले भी कर सकते थे, मैं आपको सर थोड़ा इससे पूर्व में लग दो साल से मेरे ये होराट है सर, होराट है दो साल से मेरा होराट है, इसलिए आप देखते आ रहे हैं, आपने नहीं किया ये आपका भूल है, माफ़ करो, मगर ये तुम्हारा जो सोच है ना चुनाव के पूर्व में कर रहे बोल के वो गलत है। लग दो सालों से हमने राजनामा जिनसे दिया वो भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए हमारी मुहिम है।